हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 10th क्लास एनसीईआरटी बुक मैथ का क्वेश्चन बनाएंगे। प्रश्नावली 1.2 का दो नंबर क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन में अगर जो पहले वीडियो बनाया था उसमें मैं आप सबको बताया हूँ, आप सब अगर नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल में। तो दो नंबर क्वेश्चन हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जाँच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो एक नंबर दो नंबर में हम लोग एक नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, प्रश्नावली 1.2 का एक नंबर की किस तरह है। तो हमारा क्वेश्चन है, देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन है 26 और 91। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे कि और इसका जांच करेंगे कि किस तरह बनेगा। चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को लिख देना है 26 और 91। तो सबसे पहले हम लोग 26 का गुणनखंड निकाल लेंगे तो 26 हमारा हो जाएगा 13 बार में। आप सब देख सकते हैं दो से करेंगे तो 13 बार में कट जाएगा, 13 आएगा दो से करेंगे तो 13 कटेगा नहीं किसी अंक से। तो इसको 13 हो जाएगा हमारा, और 91 का करेंगे तो ये दो से नहीं कटेगा, ये हमारा कट जाएगा, ये हमारा कटेगा 13 से कट जाएगा, नहीं 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा हमारा 13 बार में। और ये हो जाएगा 13 एकम 13 कट जाएगा एक बार में। तो अब इसको हम लोग को लिख देना है, यहाँ पे 26 है तो 26 का गुणनखंड निकालें तो हमारा आ जाएगा 2 गुने 13, और 91 में आ जाएगा 7 गुने 13। अब देख सकते हैं आप सब, यहाँ पे ऊपर भी 13 है नीचे भी 13 है तो एक जैसा है। तो इसको हम लोग गोला कर देंगे, यही हमारा HCF इक्वल टू हमारा हो जाएगा 13, HCF इक्वल टू 13। और अब आगे बनाते हैं, अब इसका जांच करते हैं, LCM हम लोग को ज्ञात करना है। तो इस अब जांच करते हैं, HCF हमारा 13 हो जाएगा। अब इसको जांच करेंगे तो लिखेंगे हम यहाँ पे दो संख्याओं का जांच, दो संख्याओं के गुणनफल इक्वल टू HCF गुने LCM, HCF गुने LCM दो संख्याओं के गुणनफल हमारा हो जाएगा 26 गुने 91 इक्वल टू HCF गुने LCM, HCF हमारा हो जाएगा 13 गुने हमारा LCM हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी मैंने बताना भूल गया, LCM हमारा हो जाएगा 13 और यहाँ पे 2 बच गया गुने 2 गुने 7। अब इसको हम लोग गुना कर देंगे कितना हो रहा है, 13 गुना कितना 26, और 26 में हम लोग 7 से करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 13 7 हमारा हो जाएगा 91 हो जाएगा। तो LCM हमारा हो जाएगा यहाँ पे 91, 13 और 91। तो अब हम लोग ये हमारा LCM हो जाएगा 11, LCM 11 यहाँ पे आप सब देख सकते हैं। तो अब इसके जो दोनों हैं दो संख्याओं के गुणनफल हमारा है 26 गुने 91। इसको जोड़ेंगे हम लोग तो जो आंसर आएगा, ये जो आंसर आएगा वही आंसर इसका भी आ जाएगा, 13 गुने 91 करेंगे तो आप सब इसका गुना कर सकते हैं। आप सब देख सकते हैं इसका आंसर आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा इसका हमारा 23 66 इक्वल टू ये 23 66 ये है तो ये भी 23 66 ही होगा। अगर ये हमारे LCM और HCF ये गलत आ रहा है तो यानी कि हमारा आंसर हम लोग गलत किए हैं, यहाँ पे HCF और LCM गलत बनाए हैं। अगर ये दोनों सही है तो हमारा आंसर ये जो बनाया है वो सही है। तो चलिए, आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार और आप सबको बता देता हूँ, 26 और 91 यहाँ पे 26 का गुणनखंड कर लेना है, 11 कर लेना है, यहाँ पे 2 और 13 लिख देना है जो आया है, यहाँ पे 7 13 13 को गोला कर लेंगे, HCF हमारा यही हो जाएगा 13, LCM इक्वल टू 13 गुने 2 गुने 7 इक्वल टू 91। और यहाँ पे दो संख्याओं की जांच करेंगे तो दो संख्या के गुणनफल होता है हमारा
छब्बीस गुने इक्यानवे इक्वल टू दो संख्याओं के गुणनफल इक्वल टू एच सी एफ गुने एल सी एम, दो संख्याओं के गुणनफल हमारा आ जाएगा छब्बीस गुने इक्यानवे और एच सी एफ हो जाएगा हमारा एच सी एफ गुने एल सी एम तेरह गुने इक्यानवे, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका और ये हमारा हो जाएगा आंसर इसका। अगर ये एक नहीं आ रहा है तो यानी कि आप सब जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो गलत है, अगर एक आ गया दोनों सेम आ गया तो आपका आंसर सही है। चलिए इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।